अगर आपको लव रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप नियमित तौर पर शुक्रवार के दिन ठाकुर जी के मंदिर में जाकर एक पान के पत्ते के ऊपर 17 गुलाब की पत्तियां रखकर ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। तो उसने मुझे बताया कि मुझे किसी पंडित ने बताया था कि आप अपने प्रेमी का नाम अपने ब्लड से लिखिए, पीरियड्स के ब्लड से, तो वो आपके पास आ जाएगा। मैंने जब से ये करना चालू करा है मेरे पेट में इतना दर्द है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारे बीच में है बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर त्रिशला चतुर्वेदी जी, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे ये पॉडकास्ट पे आए, यहाँ पे पधारे, क्योंकि आज हम इनसे कुछ ऐसे सवाल करने वाले हैं जो मेरे तो काम आएंगे और मेरी जनता के भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे, मतलब आप सब लोगों के, जो डेली लाइफ में हम चीज़ें देखते हैं या कुछ परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो मैम नमस्कार। जय श्री कृष्णा। नमस्कार और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पे बैठे हो हमारे साथ। सेम है। और मेरी जनता है, मतलब आपको भी देखती है जनता, तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि अगर इन ये परेशानी में है तो हम भी परेशानी में हैं। तो ये पॉडकास्ट में अगर हम इनकी हेल्प कर पाएँ कुछ क्वेश्चंस की या कुछ ऐसे, तो मैं पहले प्रिपेयर कर गया हूँ पूरा। तो सबसे पहले तो बहुत लोगों के ना दिमाग में ये रहता है कि एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है, आधों को नहीं पता एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो आप ये बताना चाहो तो। एस्ट्रोलॉजी एक माध्यम है हमारे जीवन के अंदर, हमारे भूतकाल, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को जानने का एक बहुत सरल तरीका, जिसके माध्यम से हम अपने किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम कब जॉब में जाएंगे, हम कब शादी कर पाएंगे, हमारा जो स्टिल रिलेशनशिप है आज की डेट में, क्या वो कल भी स्टिल रहेगा या वो आगे जाकर ख़त्म हो जाएगा या उसके अंदर हमको किसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, हम फिजिकली कब किस समय पर सही रहेंगे, कब हमें परेशानियां आ जाएंगी, हमें कौन से समय पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से समय पर नहीं करना चाहिए। हमारा ज्योतिष तो इतनी बारीक जानकारियां भी दे देता है कि हमें किस दिन किस दिशा की तरफ हमें यात्रा करनी चाहिए, हमारे लिए शुभ होगी अशुभ होगी मध्यम होगी, या हमें किस समय पर घर से निकलना चाहिए। काल होते हैं पूरे दिन भर के पंचांग के अनुसार, उसके अनुसार बताया जाता है कि कौन से काल के अंदर जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो वो हमारे लिए शुभ होगा। इसी तरह की बहुत बारीक से बारीक जानकारियां हमें ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं, और बड़ी से बड़ी भी। जैसे कि हम एक बेटे की कुंडली देखकर ये बता सकते हैं कि उनके पिता के जीवन में क्या चल रहा है, उनकी माता के जीवन में क्या चल रहा है, उनके माता पिता को किस वजह से कष्ट है, या हम एक माता पिता की कुंडली देखकर ये बता सकते हैं कि उनकी संतानें कैसी होंगी, उनका भविष्य कैसा होगा, उनके लिए उन्हें क्या निर्धारित करना चाहिए, कैसा करियर उनके लिए चुनना चाहिए। एक पिता अगर बिजनेसमैन है तो क्या उनको अपने पुत्र को भी उसी बिजनेस में लगाना चाहिए, या उनको उनको बिजनेस के छोड़कर उनको किसी सर्विस में भेजना चाहिए। हम एक कुंडली से बहुत कुछ पता कर सकते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है सब कुछ। तो ये एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम फ्यूचर बता सकते हैं, आगे इंसान का क्या कैसा रहेगा, कैसा पास्ट भी बता सकते हैं। तो आप पिछले जन्म में क्या थे, आप उससे पिछले जन्म में क्या थे, आपने उस समय क्या ऐसे काम करे थे, आपके कर्म कैसे थे जिसका फल आपको इस जन्म में मिलना है, अच्छे या बुरे जो भी थे, जो भी है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो पता लग जाएगा कि क्या यह आपका पास्ट कनेक्शन है, क्या यह आपका कार्मिक रिलेशन है जिसे सिर्फ आप भुगतने आए हो। कार्मिक रिलेशन का मतलब होता है उसके अंदर एक व्यक्ति को हमेशा पे करना पड़ता है, वही पे करता रहता है, और दूसरा व्यक्ति जो होता है वो उससे सिर्फ लेता रहता है, और जो पहला व्यक्ति होता है जो पे कर रहा होता है उसे बहुत दुख, बहुत दर्द, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता है, और एंड ऑफ द डेट वो खत्म हो जाता है। एक रिलेशन में होता है तो एक ही पीड़ा लेता रहता है, तो ये पास्ट लाइफ की वजह से होता है। पास्ट लाइफ की वजह से होता है क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन है। ओके, कार्मिक। कार्मिक। इसके अंदर एक और रिलेशन होता है जो आपका सोल टू सोल कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप उस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं आप मिलते रहोगे, आप उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट रहोगे, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत 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 पॉजिटिव रहोगे। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि दो दोस्त मिलके कोई काम कर रहे हैं और वो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दो लोगों की जोड़ियां बहुत चली,
नदीम श्रवण जी, हाँ जी हाँ जी, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ काम किया और उन लोगों को बहुत सक्सेस मिल गई। सोल कलेक्शन, कनेक्शन, सोल कनेक्शन, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ पिछले जन्म से जुड़कर आए हैं और इनका एक दूसरे के साथ होना दोनों को वृद्धि देगा, दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगा और दोनों की लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत आगे सक्सेस पे लेकर जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये भी हम एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं। मैम ऐसा भी होता है कि मैंने सुनी थी ये चीज़ कि जिन इंसानों से हम इस ज़िंदगी में मिलते हैं, अगर कोई हमारा एक साल तक, दो साल तक दोस्त टिका रहा या दोस्त बना, तो हमारा पिछली लाइफ का कुछ कनेक्शन है उनसे, अगर जो जो हमारे लोग हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं। हर कोई नहीं, अच्छा हर कोई नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग होते हैं जिनका आपके लाइफ के साथ पास्ट में कनेक्शन होता है। जैसे मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूं, आपकी लाइफ में जो भी ए या एम नाम का व्यक्ति आएगा उसका आपका पास्ट के साथ कनेक्शन रहेगा। मम्मी के नाम है मेरे दोनों, ये दो नाम है मम्मी के। तो जब भी आप अपनी पास्ट लाइफ कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका उनके साथ कनेक्शन होगा। ये कैसे पता लगता है पास्ट लाइफ के बारे में? पास्ट लाइफ एक अपने आप में पूरी थेरेपी है और इसमें आपको एक तरीके से हिप्नोटाइज करके आपको आपके पास्ट में ले जाया जाता है और आपको सारी चीज़ें दिखती हैं कि आप कहाँ थे, आपने अपने पास्ट में कहाँ जन्म लिया था, आपके माँ बाप को, एवरीथिंग आपको सब कुछ दिखता है। बहुत बड़ी बात है, मतलब हमें, मतलब हमारी हिप्नोटाइज करोगे हमारे दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी फिल्म की। इसकी दो तीन पद्धति होती है, हम लोग तो टैरोट से भी पास्ट लाइफ निकाल देते हैं, आपकी जन्मपत्री से भी पता लग जाता है, आपकी जन्मपत्री का पंचम भाव भी बताता है कि आपका पिछले जन्म में क्या संबंध आपका रहा है और किस किस से रहा है, ये आपकी पूरी कुंडली के अंदर होता है। और एक और तरीका होता है जो बिना हिप्नोटिज्म के होता है, जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, क्योंकि हिप्नोटिज्म में थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्क आ जाता है, अगर वो व्यक्ति वापस ना आ पाया तो दिक्कत होने लगती है, वहीं रह पास, वो वहीं रह जाता है या उसका मेंटल लेवल ख़राब हो जाता है। तो हम लोग जो करते हैं, हम लोग हिप्नोटाइज नहीं करते, हम आपकी बॉडी को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं और आपको सब कुछ पता लगता रहता है, आप बिल्कुल कॉन्शियस होते हो लेकिन आप होते उस दुनिया में हो और आपका वापस आना बहुत आसान हो जाता है, इसके अंदर रिस्क फैक्टर जीरो रहता है। मैम आपने करे भी होंगे बहुत, बहुत करे हैं और मैं तो कब से सबको बोल रही हूँ, सब पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि लाइव करो ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह की चीज़ें सच में होती हैं। अच्छा तो मैम अगर किसी के पर्सनैलिटी देख के आप कैसे एस्ट्रोलॉजी की मदद से कैसे आप बता सकते हो फ्यूचर उनका, मतलब कैसे पर्सनैलिटी देख के पता लगता है कैसे? आपका शरीर केवल शरीर नहीं है, आपके शरीर का एक एक भाग आपके ग्रहों से संबंध रखता है। आपका फेस कैसा है, आपकी आंखें कैसी हैं, आपके बाल कैसे हैं, आपका ललाट कैसा है, आपके हाथ कैसे हैं, आपकी हाइट कितनी है, आप पतले हैं, आप मोटे हैं, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर से आप किसी के भी बारे में उसके 95% तक आप प्रिडिक्शंस कर सकते हो उसके बिना बोले, ऐसे देख के बिना बोले। आपने तो नहीं बताया आपकी मदर का नाम क्या है। सही बात है मैम, तो फेस से देख के और बॉडी से देख के 95% जी, इसे हम सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। और इवन हमारे शरीर के चिन्ह, किसी की भौहें छोटी हैं, किसी की बड़ी हैं, किसी के गाल पर तिल है, किसी के हाथ पर तिल है, किसी के पीठ पर, आपने सुना होगा लोग बोलते हैं अरे इसके सिर पर भवरा है, तो अब इसके पीछे भाई होगा। तो ये ना पूरा का पूरा हमारा सामुद्रिक ही शास्त्र है जो चिन्ह बनाता है, जो बताता है कि इस व्यक्ति के साथ क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या चीजें नहीं होंगी। बर्थ मार्क बोलते हैं कि जिसे नहीं दिखता वो लकी होता है, सभी कुछ। हाँ बर्थ मार्क, जिसे नहीं दिखता और जिसको बर्थ मार्क होता है कहते हैं कि ये आपके ही घर का कोई पुराना व्यक्ति आपके घर में आ गया है। अच्छा, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये ज्योतिष बहुत हेल्प करता है आपको जानने के लिए। अब देखिए, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छा सोचा, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचा कि उनके जीवन में जब पीड़ा होती है तो हमें भी तकलीफ होती है क्योंकि वो हमसे जुड़े हैं। तो ज्योतिष शास्त्र इसमें बहुत मदद करता है, आपकी जो पीड़ा है उसका आखिर बेस क्या है, कारण क्या है, क्या हम इसे सिर्फ नौ ग्रहों से ही देखते रहे या ये हमारी और किसी चीज़ के साथ जुड़ा है, लाइक ये हमारे फादर से हमको आ गया,
यह हमारी मदर से आ गया, यह हमारे ननिहाल से आ गया, यह हमारे ददिहाल से आ गया, यह हमारे पास्ट लाइफ से आ गया, यह हमारे भाई बहनों की वजह से हमें मिल रहा है, या ये हमें हमारे हस्बैंड या वाइफ की वजह से मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना हम एस्ट्रोलॉजी से बहुत एक्यूरेट निकाल सकते हैं। बोलते हैं घर में कोई एक बुरा कर्म करे अच्छा करे तो पूरे परिवार पे फर्क पड़ता है, पर पर्टिकुलर कोई एक होता है जिसके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, है ना। तो उसको कैसे उस चीज़ से अपने आप को दूर करना है ये एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है। तो मैम अगर अभी लाइव आप मेरा फेस देख के कुछ बता पाओ या मेरा हाथ देख के कुछ मैंने ना हाथ देखने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको देख के आपकी, बिकॉज आई एम अ वॉइस रीडर ऑल्सो, तो मैं आपकी वॉइस से आपके फेस से आपको बहुत कुछ बता सकती हूं। क्या लगा आपको मुझे देख के? आपकी लाइफ के अंदर ना आपने 14-15 साल की उम्र में एक बहुत टर्निंग पॉइंट लिया था। 14-15 साल की एज में, मतलब आप जो करना चाह रहे थे आपका एकदम से माइंड चेंज हुआ कि नहीं मैं ये नहीं मैं ऐसा करूंगा, वो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा? हुआ था 14-15 साल में कुछ ऐसा, वो शेयर नहीं कर सकता, वो हुआ था, ये बात सच है। आपकी लाइफ में ऐसा ही एक चेंज और आएगा व्हेन यू कंप्लीटेड योर 42 इयर्स। 42 इयर्स के बाद तो मैं अच्छा होगा कुछ? बहुत अच्छा होगा, और आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको, देखिए मैं नाम बड़ा नहीं मानती, मैं ऐसा मानती हूँ इंसान का काम बड़ा होना चाहिए, नाम अपने आप हो जाता है। तो आपका वो ऐसा टाइम फेज आएगा कि आप उस समय वो काम करेंगे जो जिसकी सच में हमारे लोगों को, हमारे समाज को, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को उसकी बहुत ज़रूरत होगी। आप उसी डायरेक्शन में कुछ नई चीज़ लेकर आएंगे और आप उसको काफ़ी आगे तक बढ़ाएंगे जो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप बहुत अच्छा सोशल वर्क करते हैं। हाँ जी, अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ जी। आप बहुत अच्छा सोशल वर्क करते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को करने के लिए हमेशा एक चीज़ को याद रखना चाहिए अपने साथ कि जब भी आप किसी का भला करने जाते हैं या आप जब भी किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं, आपको उसके बाद या तो कॉफ़ी बाथ ज़रूर लेना चाहिए। कॉफ़ी बाथ? हाँ, अच्छा। वो भी मैं आपको, कॉफ़ी से नहाना? हाँ। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, वो आपको अंदर से, आपकी सोल बहुत प्योर है, तो आपको वह अंदर से तो बहुत करेज करता है कि आप औरों के लिए भला करिए, आप औरों का बहुत उद्धार करिए, ठीक है, आपकी थॉट्स भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसका कहीं ना इफेक्ट आपके ऊपर ही आता है कि आपकी एनर्जीज डाउन हो जाती हैं। सच बात है मैम, ये मतलब जितने नेगेटिव लोगों से अगर मैं मिल जाऊँ ना तो वो चीज़ मेरी लाइफ को भी अफेक्ट करती है। तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए जिससे आपका जो ऑरा या आपकी जो एनर्जी है वो मेंटेन रहे। इस वजह से मैंने अपने रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दिया जो मुझसे जलते थे। मैम मैंने ना अपना एक हाथ दिखाया था एक पंडित जी को, तो वो बोले कि 1% लोगों का ही होता है ऐसा वर्ल्ड में, उन्होंने आज तक नहीं देखा था ऐसी जो रेखा है, मैं कैमरे पे दिखाऊं सीधी बिल्कुल ऐसे है, आपने देखा है ऐसा किसी का बिल्कुल सीधा? ये क्या चीज है? इस दुनिया में हर हाथ ही अपने आप में एक ही का होता है, मैं तो ऐसा मानती हूँ। मेरे जैसा हाथ किसी का नहीं है, आपके जैसा नहीं है, आपके स्टाफ में जितने हैं उनके जैसा किसी का नहीं है, अलग अलग होगा, लेकिन आपकी जो सीधी रेखा है ये ऐसा बताती कि ऐसा इंसान बहुत स्टेबल होता है। और ऐसा इंसान ना अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। मैम सच्ची कह रहे हो आप। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए डरता नहीं है, उसको अगर ये खुद में विश्वास हो कि मैं सही हूँ तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता वो काम करने से। अब मेरे में और कॉन्फिडेंस आ गया बात सुन के कि हाँ ये ही हूँ मैं। चलिए मैम अब जनता के लिए कुछ पूछते हैं, तो मैं लव एडवाइस पे ना बहुत वीडियोस बनाता हूँ कि प्यार में दिल टूटा या लव स्पेशलिस्ट। तो मैम कुछ ऐसे उपाय कि अगर कोई रिलेशन में शादी से पहले शादी के बाद में उनका ब्रेकअप हो जाए डिवोर्स हो जाए, तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे वो टिके रह सकते हैं साथ में रहें अलग ना हो, ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं एस्ट्रोलॉजी में? आपको पता है मैं पिछले 10 साल से सिर्फ यूट्यूब पे यही काम कर रही हूँ। मैम बता दो, मैं सिर्फ रिलेशनशिप को ही बचाने की कोशिश करती हूँ और उसी पे बोलती हूँ, जिसके लिए मैं बहुत गालियाँ खाती हूँ कि ये मैम जो है ना ये सिर्फ औरतों का ही साथ देती है और उन्हीं को हमेशा वो करती है। आपके लिए एक आदमी सही है या एक औरत सही है, या जेंडर मायने नहीं रखता, इंसान मायने रखता? नहीं रखता, जो प्रेम को समझ ले ना वो बड़ा है जी। लड़का लड़की कोई भी हो, कोई बस इंसान होना चाहिए, अच्छा बुरा जी। अच्छा है और सबसे बड़ी बात ये है कि प्यार तो हर कोई करना चाहता है, पर उस प्यार की गहराई को समझना कोई नहीं चाहता, हर एक के बस की भी नहीं वो चीज देखना। तो देखिये सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं आपकी ऑडियंस को यही बोलूंगी
कि बच्चों जब आप किसी के साथ जुड़ते हो, आप किसी के भी साथ अटैच्ड होते हो, एक रिलेशनशिप में आते हो, तो आपके पास, आप भारतवर्ष में रहते हैं चाहे बाहर रहते हैं, आपके पास इतने अच्छे ज्ञानी लोग बैठे हैं जो आपको ये प्री बता सकते हैं आपकी कुंडली से, सामने वाले की फ़ोटो से, उसके हाथों की लकीरों से, कि क्या वो व्यक्ति आपके लिए ठीक है या नहीं है। आप एकदम से एक फ्लो में मत बह जाइए कि नहीं बहुत प्यार है, अभी तो वो मुझे बहुत केयर कर रहा है, सुबह पूछ रहा है, बेबी कुछ खाया रात को, बेबी तुम सो रहे हो, फिर बाद में पता चला आपका फ़ोन ही नहीं उठ रहा, मीठी बातों पे ना जाएं। हाँ बिल्कुल ना जाएं। तो आप पहले तो ना अपने प्यार को परखें। प्यार परीक्षा मांगता है, बिना परीक्षा के प्रेम संभव नहीं। रामायण के अंदर एक लाइन है जिसमें कहा गया है कि भय बिन होए न प्रीत गोसाई, बिना डर के प्यार संभव नहीं है। जिस प्यार के अंदर ये डर ही नहीं है कि हम इसको खो देंगे तो हमारा जीना बर्बाद, तो प्यार ही क्या है। हाँ, तो ये डर क्या सामने वाले के अंदर है आपको खोने का, जितना आपके अंदर है सामने वाले को खोने का डर, वो समझें, ये समझें, और गाइडेंस जरूर लें, प्रॉपर लोगों से, सही लोगों से गाइडेंस जरूर लें। और लोग क्या होता है, भटकते हैं, हमसे पूछा फिर किसी और के पास चले गए, फिर किसी और, नहीं, आप एक पर ट्रस्ट करें, उससे पूछें और उसके ऊपर भरोसा रखें कि वो आपको सही ही बताएगा। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको लव रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप नियमित तौर पर शुक्रवार के दिन ठाकुर जी के मंदिर में जाकर एक पान के पत्ते के ऊपर 17 गुलाब की पत्तियां रखकर ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दीजिए, और राधा रानी के चरणों में थोड़े से चावल रख दीजिए, खड़े होकर वहाँ पर अपने मन की बात उनसे कहिए ज़रूर कि मेरा ये नाम है, मेरी मम्मी का ये नाम है, मैं जिससे प्यार करती हूँ या करता हूँ उसका ये नाम है, उसकी मदर का ये नाम है, और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ या चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा एक साथ रहें और एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहें। प्यार अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली चीज़ है, और यही प्रेम समझाने सिर्फ श्री कृष्ण इस दुनिया में आए थे। सिर्फ ये प्रेम ही समझाया उन्होंने और कुछ नहीं समझाया, पर प्रेम लोगों को समझ नहीं आता और फिर बच्चे भटकते हैं। आप देखेंगे, आप उठा लीजिए गूगल, इतने वशीकरण स्पेशलिस्ट बैठे हैं और आप और आपकी ऑडियंस, वशीकरण हिप्नोटाइज करना। हाँ। तो मैम इसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, वशीकरण से रिलेटेड बताइए ना, वो चीज कैसे होती है। सबसे बड़ा वशीकरण स्पेशलिस्ट कौन? मैंने एक वीडियो देखी थी, कृष्ण भगवान जी है, हमारे ठाकुर जी हैं। जी, उनसे बड़ा कोई भी बड़ा वशीकरण स्पेशलिस्ट नहीं है, वो सबसे बड़े वशीकरण करने वाले हैं, और उनके वश में जो आ गया, और लोग ऐसा कहते हैं कि हम उनके वश में चले गए, नहीं नहीं नहीं, वो हमारे वश में आ जाते हैं और हमारे साथ बंध जाते हैं, और फिर उसके बाद ना हम उन्हें छोड़ सकते हैं ना वो हमें छोड़ने देते हैं। जब भी वृंदावन में पर्दा लगाते हैं बार बार। जी, हमारे गोविंद देव जी मेरे आराध्य देव हैं जयपुर के, तो मेरे गुरु भी वही हैं, मेरे आराध्य भी वही हैं, उनके साथ भी है। अच्छा, उनको भी पर्दों में रखा जाता है, और ठाकुर जी को इसीलिए पर्दों में रखा जाता है क्योंकि वो इतनी जल्दी वशीभूत हो जाते हैं और तुरंत चल देते हैं उनके घर तक ही, साथ तक चल देते हैं। जो उनसे प्यार कर ले उनके साथ तुरंत चल देते हैं। तो सबसे बड़े वशीकरण स्पेशलिस्ट वो हैं। वशीकरण कोई बुरी चीज़ नहीं है, लोग इसको बहुत गलत मानते हैं और गलत तरीके से लोगों को बताते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, पेशाब से वशीकरण करा रहे हैं, वीर्य से वशीकरण करा रहे हैं, पीरियड्स के ब्लड से वशीकरण करा रहे हैं, गुप्तांग के बालों से वशीकरण करा रहे हैं। ये बहुत गलत चीज़ है बच्चों, कभी मत करना, कभी इन चीज़ों को यूज़ मत करना, क्योंकि ये आगे जाकर आपको मेंटली और फिजिकली इफ़ेक्ट देता है बहुत नेगेटिव, और जिस पर आप कर रहे हो उसके ऊपर भी इसका बहुत गंदा असर आता है। तो इन चीज़ों को कभी भी करने की कोशिश मत करना। मेरे पास एक बच्ची आई, उसको अचानक से है ना बॉडी के अंदर अजीब सा प्रॉब्लम होने लगा, डायग्नोज ही नहीं हो रहा था कि क्या दिक्कत थी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या ऐसा करा है जो आपको ये दिक्कतें हो रही हैं? तो उसने मुझे बताया कि मुझे किसी पंडित ने बताया था कि आप अपने प्रेमी का नाम अपने ब्लड से लिखिए, पीरियड्स के ब्लड से, तो वो आपके पास आ जाएगा। मैंने जब से ये करना चालू करा है, मेरे पेट में इतना दर्द है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं, ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। हाँ, और ये गलत शक्तियों को आह्वान करती हैं, गलत चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर देती हैं। वशीकरण का मतलब क्या है? अट्रैक्ट करना, आपकी तरफ चीज़ों को लाना। आप सात्विक चीज़ें करेंगे, आप सात्विक तरीके से अपने प्यार को पाने के लिए उपाय करिए, आपको उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ में आपका प्रेमी या प्रेमिका, आपका पति या पत्नी, उसकी भी वृद्धि होगी।
वो भी अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। दो लोगों का मिलना मेरे ख्याल से यही है कि जब दो एक दूसरे से लोग मिलें, एक दूसरे से प्रेम करें, प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं। ठाकुर जी की सबसे बड़ी ताकत राधा रानी, और राधा रानी की सबसे बड़ी ताकत प्रेम। तो प्रेम अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है। आपके एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, सारी दुनिया कहती है नालायक है, निकम्मा है, कुछ नहीं करेगा, माँ कहती है नहीं बेटा तू बहुत नाम करेगा। एक ये प्रेम उस बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ये प्यार की ताकत ही है, प्यार की बहुत बड़ी ताकत। साफ दिल से चलिए, ना कि उल्टे सीधे तरीके इस्तेमाल करें। तो इन्हें गाइड कौन करता है, ये ऐसी चीजें करते हैं जो है? हमारा देश बहुत महान है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सही प्रॉपर लोगों को समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। एक और चीज होती है, जब हम वशीकरण कर रहे हैं तो वशीकरण को लोग बहुत गलत मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि अरे वशीकरण करेंगे मतलब ये हमारे अधीन हो जाएगा, अब ये हमारे हिप्नोटिज्म हो गया इसके ऊपर, अब ये हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वशीकरण का मतलब होता है कोई व्यक्ति जब भटक रहा हो, सपोज करिए एक हस्बैंड वाइफ है, उनकी लाइफ में कोई तीसरा आ गया। हाँ जी। अब उस वाइफ का या उस हस्बैंड का क्या कसूर है जो उसका रिलेशन खराब हो रहा है? उनके बच्चों का क्या कसूर है जो उनका रिलेशन बर्बाद हो रहा है? तो इस चीज़ को काटने के लिए हम वशीकरण सात्विक रूप से कर सकते हैं, सात्विक चीज़ों से कर सकते हैं। उनका रिश्ता बचा रहे हैं। हाँ। इलायची, लौंग, कपूर, काजल, सात्विक, बिल्कुल सात्विक। ठाकुर जी का नाम लीजिए, माता रानी का नाम लीजिए और कर दीजिए, और फिर देखिए आपको उसके कितने अच्छे परिणाम मिलते हैं। एक चीज़ और होती है वशीकरण। वशीकरण को लोग बहुत गलत तरीके से समझ पाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि वशीकरण करेंगे तो पता नहीं क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या हो जाएगा। नहीं, वशीकरण का मतलब है आप एक तरीके का लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो आजकल बहुत प्रचलित हो गया है हमारे यूट्यूब पे, हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ की मनोकामना करिए और वो मनोकामना आपकी ऐसी है जो आप टेक्निक्स यूज़ करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो चीज़ें आपको उसके थ्रू प्राप्त हो जाएंगी। जैसे कि इसके अंदर एक टेक्निक होती है 369, ये नंबरों के ऊपर टेक्निक्स चलती हैं। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे तरीकों से होता है, पानी से हो जाता है, चाय से हो जाता है, फलों से हो जाता है। क्या है, जो चीज़ चाहते हैं वो मिल जाती है। हाँ, बेसिकली क्या है, आप अपनी गुड वाइब्स, अपनी गुड पॉजिटिविटी आप यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हो, एक पॉजिटिव सोच पहुंचा रहे हो। लाइक मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मैंने ये बात बहुत बार लिख दी या मैंने ये बात बहुत बार बोल दी, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के पास पहुंच रही है। ये बात सही है। हाँ जी, ठीक है, और वो हमको रिवर्स होकर मिलता है। हम जो भी कहते हैं ना बेटा, वो सारी चीज़ें ब्रह्मांड में घूमती रहती है। इसीलिए कहते हैं अच्छा बोलिए, गाली मत बकिए, किसी को बुरा मत बोलिए, क्योंकि वो घूम फिर के कहीं ना कहीं कभी आपको मिलेगा। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करा जाता है अलग अलग टेक्निक से। बात हम नहाकर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। तो वशीकरण कैसे, कोई एक तरीका बताइए मैम, कैसे होती है वो चीज़? बात मतलब आप नहाने के पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा सरल तरीका बताती हूँ। अगर आपको अपने लव अपने अफेयर को और ज़्यादा अच्छा बनाना है, आपको अपने साथी से कमिटमेंट चाहिए, तो आपको शुक्रवार के दिन एक पानी का बकेट ले लेना है, उसके अंदर आप थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए, गुलाब की पत्तियाँ डाल दीजिए, आप अपने हाथ के ऊपर एक नंबर लिख दीजिए 1259। ठीक है, रेड पेन से लिखेंगे और आप लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप नहाना स्टार्ट करिए, और नहाते नहाते आप कम से कम 11 टाइम्स उस व्यक्ति का नाम लेकर बोलिए कि बस वो आपसे प्यार करता है, आपके साथ कमिटेड है, वो आपसे बहुत जल्द शादी करेगा और आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे और हमेशा खुश रहोगे, ठीक है। ऐसा आपको 11 टाइम्स बोलते बोलते आपको नहाना है। आप ये 3 Fridays करके देख लीजिए, 3 हफ्ते, उसके बाद आपको खुद को समझ में आएगा कि कैसे चीजें आपके साथ पॉजिटिवली काम कर रही हैं। चाहे वो सामने वाला हमसे चाहता भी ना हो शादी करना, कंफ्यूज हो, चाहे वो हमको मना कर रहा हो, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप से भागने की कोशिश कर रहा हो, उसे समझ ना रहा हो, तो उसे क्लियर हो जाएगा। हाँ। अच्छा, तो इन चीजों का पड़ता है फर्क, बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का। इसी तरीके से जैसे मैं आपको बोल रही हूँ पानी से, पानी से क्या होता है कि हमने एक ग्लास पानी का लिया। अब सपोज करिए कि केवल एक लव रिलेशनशिप का प्रॉब्लम नहीं है, मनी प्रॉब्लम है, जॉब में अनस्टेबिलिटी है, बॉस बहुत परेशान कर रहा है, बहुत हैक्टिक लाइफ हो गई है, बहुत कंफ्यूजन है, मैं जॉब नहीं करना चाहता, बिजनेस करना चाह रहा हूँ, रास्ता नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में क्या होता है, आप पानी का एक ग्लास ले लीजिए, एक शब्द है, एक बहुत छोटा सा मंत्र है
जो इतना ताकतवर है कि वो आपको पूरे ब्रह्मांड के आशीर्वाद को प्रदान कराता है, और वो मंत्र है क्लिम क्लिम क्लिम, क्लिम। ठाकुर जी का भी मंत्र है ये, और ये मंत्र काली माँ का भी है। क्या और मतलब होता है मैम? ओम क्लिम कृष्णाय नमः, हाँ है ना। तो क्लिम ऐसा मंत्र है जो आपको पावर देता है और आपको कनेक्ट करता है ईश्वर के साथ और यूनिवर्स के साथ। ठीक है, तो आप पानी का ग्लास लीजिए, 11 टाइम्स बोलिए क्लिम क्लिम। ठीक है, आपने उसके बाद में हल्की सी फूंक मारी उस पानी के अंदर और आपने उसको पी लिया। ऐसा करने से आप जो सोचेंगे पॉजिटिव थॉट्स, जैसे सपोज आपने सोचा कि मेरी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, मैं फॉरेन चला जाऊं, मैं जॉब नहीं करना चाहता, तो मेरा बिजनेस कुछ अच्छा एस्टैब्लिश हो जाए, मुझे सही राह मिल जाए, ये सारी चीज़ें जो आप सोचकर ऐसा आप पानी को लेंगे पिएंगे तो वो चीज़ आपके लिए उतनी ही पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेगी, और ईश्वर ईश्वर आपको हेल्प करेंगे उस रास्ते पर चलने के लिए। ओके ओके, हम भी स्टेबल होंगे एक चीज़ को सोच के कि यहीं पर चलते हैं। तो मैम एक मेरे ना क्वेश्चन घूम रहा है दिमाग में, जब हमने ठाकुर जी की बात करी, कृष्ण भगवान की बात करी, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो हम लड्डू गोपाल जो होते हैं जो घर में लाते हैं वो चीज़ वो उन्हें लाना घर में सही नहीं है, ऐसा तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ईश्वर को घर में लाना सही नहीं है, मैं तो इस चीज़ का बहुत खंडन करती हूँ। ईश्वर तो घर क्या, आत्मा में बसते हैं, ये आत्मा का संबंध परमात्मा से ही तो ये हमारा जीवन वो है। कहते हैं उन्होंने हमें बनाया, तुम क्या पालोगे उन्हें, ऐसी ऐसी बातें लोग बहुत कुछ कहते हैं। जैसे मैं आपको अपनी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं ठाकुर भक्त हूँ, मेरे घर में बहुत अच्छे से ठाकुर जी की सेवा होती है ऐसा मुझे लगता है, माफ़ करिएगा अगर कुछ गलत हो तो। लेकिन मेरे घर बहुत सारे, चूँकि हम लोगों का ऐसा है कि हम लोग काफ़ी सारे फंक्शंस में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो मेरे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे ही सेम प्रोफेशन के हैं। तो दो तीन लोग मेरे घर आए, उन्होंने मुझे बोला कि आपके यहाँ पे ठाकुर जी खड़े हैं ना, तो ये आपको कभी स्टेबल नहीं होने देंगे। अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने? हाँ, और मेरा एक फेज था लाइफ का जिसके अंदर मेरी लाइफ बहुत उबड़ खाबड़ थी। मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, तो मुझे बहुत मुश्किल हुआ अपनी लाइफ को आगे इस रास्ते पर लाकर खड़ा करना और अपने आप को प्रूफ करना कि मैं क्या चाहती हूँ और कैसे करना चाहती हूँ। और मैं जिस क्षेत्र से हूँ वहाँ पर वैसे भी औरतों को इतनी आसानी से अपनी चीज़ें करने की इजाज़त नहीं मिलती थी, अब तो समय बदल गया है। तो उस समय पर लोग मुझे कहते थे तुम कृष्ण जी की पूजा करती हो ना, इसलिए तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए तुम्हारा स्ट्रगल बढ़ गया है। जब तक ये तुम्हारे घर में रहेंगे तब तक तुम्हारी लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगी। मैंने बहुत सारी बच्चियों से सुना कि तुम कृष्ण जी की पूजा करती हो ना, देखना तुम्हारी मैरिड लाइफ में, तुम्हारी लव लाइफ में हमेशा दिक्कत आएगी, क्योंकि उनका प्रेम संपन्न नहीं हुआ तो वो तुम्हारा प्रेम कभी संपन्न नहीं हुआ। अच्छा, ऐसी बात है? ऐसी बात। हाँ। लड्डू गोपाल को लेकर लोगों ने बोला कि आप लड्डू गोपाल को रखते हैं तो आपका मिसकैरेज जरूर होगा। बताइए कैसी कैसी, क्योंकि जो लड्डू गोपाल को पूछता है उसके घर में मिसकैरेज जरूर होता है। मैंने ऐसी बहुत सारी अनगिनत बातें, अंधविश्वास वाली बात है तो, पर ऐसा नहीं होता। मैं आपको आज एक बहुत बड़ा भेद बताती हूँ। भोलेनाथ जो हैं, शिवजी जो हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे देते हैं। आपको जो चाहिए ले जाओ, तुरंत ले जाओ, ज्यादा मेरे पास सच्चे दिल से जो मांगा है जो भाई ले 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 जाओ। आपको पैसा चाहिए ले जाओ, आपको नाम चाहिए ले जाओ, आपको ये चाहिए ले जाओ, आपको प्यार चाहिए ले जाओ, शादी करनी है 16 सोमवार करो ले जाओ। भोलेनाथ बहुत जल्दी तथास्तु करते हैं, सब परेशान थे उनसे इस बात से कि ये तो बहुत जल्दी तथास्तु कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ठाकुर जी अपनी शरण में पहली बात तो बहुत जल्दी आपको आने नहीं देते, फिर जब आप आएंगे तो वो आपकी कठोर परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षा ऐसी नहीं है कि ये आपको बर्बाद कर देती है या आपको अनस्टेबल बना देती है या आपको लाइफ में दुख देती है, नहीं, ये परीक्षा आपको और ज़्यादा मजबूत बनाती है, आपको एक योद्धा की तरह खड़ा कर देती है। वो आपके सारथी बन जाते हैं और आप उनके पार्थ। फिर दुनिया में कोई भी महाभारत हो जीतोगे आप ही, क्योंकि श्री कृष्ण आपके साथ खड़े हैं। लोगों को ऐसा लगता है शिव जी की भक्ति से वैराग मिलता है, वैराग सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति देती है। आप जब उस भक्ति में उस चरम सीमा तक आ जाओगे ना, तो आपकी कोई ख्वाहिश नहीं रह जाएगी, आपको बस ये लगेगा अब मुझे सब मिल गया। क्यों? क्योंकि अब मेरे साथ स्वयं ठाकुर जी खड़े हैं।
वो आपको आजमाएंगे सुदामा की तरह, और फिर एक दिन खुश होकर तीनों लोक आपको दे देंगे। तो जब दिल से आप करोगे, दिल से आप करोगे, वो बहुत जल्दी इम्प्रेस नहीं होते, वो बहुत समझदारी से आपको चीजें देते हैं, आपको उस चीज के काबिल बनाते हैं। एक्चुअली वो आपके सही पिता हैं। हम कहते हैं ना, जब हम आरती करते हैं कि मात पिता तुम मेरे, तो वो वास्तव में हमारे पिता हैं, क्योंकि वो हमें उस चीज को पकड़ने की शिक्षा सिखाते हैं। सही बात है। तो ठाकुर जी परीक्षाएं जरूर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपको देते हैं ना, वो अतुल्य है, अद्भुत है, फिर वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, जो सच्चे दिल से आप करोगे उनकी प्रेयर। तो मैम एक क्वेश्चन भी है मेरा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साफ दिल के नहीं होते, बुरा करते हैं, भगवान जी को भी नहीं मानते, पूजा नहीं करते, उसके बाद भी उनकी तरक्की होती है, वो दिखते हैं दूर दूर से खुश, तो फिर वो उनका कैसे गाड़ी चल रही है? बेटा जी, वो अपने पास्ट कर्मास से कुछ अच्छे कर्म लेकर आए हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम अपने पास्ट कर्म से ना एक पोटली लेकर आते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए आपका फिक्स डिपॉजिट है जो आप पिछले अपने जन्म से कैरी करके लाए, वो कितने दिन चलेगा? आप उसमें अच्छे पुण्य और नहीं डालोगे तो वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तब ऐसे लोगों का पतन कितना बुरा होगा, उनका और इतिहास गवाह है कि ऐसे लोगों का पतन बहुत बुरा हुआ है, उनका घड़ा भर रहा है, और एक टाइम तो आएगा वो जब उनके साथ कुछ होगा जैसा वो कर रहे हैं जी। और मैम ऐसा भी होता है एस्ट्रोलॉजी में कि जिनका नाम एस से शुरू होता है, जैसे मेरा शिवम नाम है तो एस से शुरू हो रहा है, तो उनकी लाइफ कुछ ऐसी है, उनका स्वभाव ऐसा होगा, या ए नाम वालों का ऐसा कुछ, इनका फर्क पड़ता है नाम? बहुत फर्क पड़ता है, आपके पहले अक्षर का आपके जीवन के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। आपका पहला अक्षर निर्धारित करता है आपकी चंद्र राशि जी, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर प्रमुख मानी गई है, और उसी के आधार पर आपका नाम रखा जाता है। आपकी जो चंद्र राशि होती है उसका जो नक्षत्र होता है, नक्षत्रों के चार चरण होते हैं, उसके हिसाब से आपका नाम रखा जाता है, और उसके ही आधार पर ऐसा बताया जाता है कि ये व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होगा। एक चीज और मैं आपको बताती हूं, शायद आज तक ये कभी किसी ने नहीं बताई, आज पहली बार आपकी ऑडियंस शायद इस बात को सुनेगी, हमारा जो बोलता नाम होता है ना, इससे भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे कि इस नाम से बहुत ताकत मिलती है और इस नाम से बहुत ज्यादा हनन हो जाता है। तो आपने देखा होगा कई लोग ना, बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपका नाम चेंज करा देते हैं, और नाम चेंज कराते ही आपकी किस्मत पलट जाती है। हाँ, सुना है मैंने चीज़। हाँ, ठीक है। वो इसीलिए होता है कि जब किसी व्यक्ति का नाम उसकी एनर्जीज या तो ले रहा होता है या दे रहा होता है। अगर ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप जितनी बार उसका नाम लेंगे उसको ताकत मिलेगी। लेकिन अगर वो दे रहा है, मतलब आप जितनी बार उसका नाम बोलेंगे तो उसके अंदर की एनर्जीज ट्रांसफर हो जाएंगी, तो वो गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि आपने मुझे बताया ए नाम वाले जो लोग होते हैं, ए नाम वाले जो होते हैं वो बहुत दिल के साफ लोग होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, लेकिन इनके साथ क्या होता है, ये बहुत अनस्टेबल है, या तो ये बहुत करते चले जाएंगे, या फिर जब इनका एक बार मन हट गया, इनको लगा कि आपने इनको डिच कर दिया, इनको धोखा दे दिया, या आपने इनको हर्ट कर दिया, तो फिर ये आपकी शक्ल भी नहीं देखे। एक बार दिल हट गया तो अब तू जा भाई, तू जा, अब कभी एंट्री नहीं है, अब नहीं है, अब चाहे अब तेरे साथ कुछ भी हो मैं तेको मुड़ के नहीं देखूंगा। इसी प्रकार से जो एस वाले होते हैं, होते तो ये ऐसे हैं, लेकिन अगर एक टाइम के बाद इनको ये लगता है ना कि मेरे दुश्मन के साथ भी कुछ गलत हो रहा है, तो भी ये उसकी मदद करने चल देते हैं। हाँ, ये तो सच है, क्योंकि ये दिल के इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, पर ये ऊपर से बहुत हार्ड दिखते हैं। इनके बात करने का तरीका, इनका बोलना, इनका जिस तरीके से ये अपने आप को लोगों के साथ जोड़ते हैं, लोग इनसे अट्रैक्ट तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, लेकिन इन्हें संभाल पाना हर किसी के बस का नहीं है। और एस नाम वाले जो लोग होते हैं ना, इन्हें समझना हर किसी के बस का काम ही नहीं है। ये इतने अंदर से मासूम होते हैं, इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप प्यार से संभाल सकते हो, और किसी चीज़ से नहीं संभाल पाओगे। ये नहीं कि टशन दिखा के ये काम करवा लिया, चलो ये करो वो करो, टशन दिखा के ये तब तक आपका काम कर देंगे जब तक ये आपसे अटैच्ड है। अच्छा, वो अटैचमेंट खत्म हुआ फिर आपका टशन रख लो आपकी जेब में, अब तो दुनिया की कोई ताकत हमसे वो काम नहीं करा सकती। तो आप इनको ना सिर्फ प्यार से अपना बना सकते हो, इमोशन से अपना बना सकते हो। तो ये हर एक वर्ड की अपनी एक विशेषता होती है, क्योंकि उसका नक्षत्र, उसकी राशि कहीं ना कहीं उसके ऊपर इफेक्ट डालती ही डालती है। इसी प्रकार से हर एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ कनेक्शन होता है, कि पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का नाम क्या है, या जैसे आपका नाम एस से है
तो आपसे हमेशा जो है आर नाम वाले वो एनर्जीज देने का और लेने का दोनों काम करेंगे, मतलब गिव एंड टेक रहेगा। आर नाम वाले लकी इंसान होंगे मेरे लिए। हाँ, अच्छे होंगे, मतलब वो आपके लिए भी लकी होंगे और आप भी उनके लिए लकी रहेंगे। ठीक है, अनलकी होंगे मैं उनके लकी लिए। लकी होंगे दोनों, मतलब अच्छा, आप दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि आपके पास कोई ऐसा आ जाता है जिसका नाम वी से स्टार्ट होता है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ जाता है जिसका नाम के से स्टार्ट होता है, तो ऐसा व्यक्ति आपसे लेने का काम ज्यादा करेगा। ओके, आपको देने का काम बहुत कम करेगा। ठीक है, ठीक। तो हर एक नाम के साथ ना दूसरे नाम का कनेक्शन होता है, लेकिन ये थ्योरी जो होती है 98% काम करती है। 2% इसके अंदर हमें आपकी कुंडली की भी ज़रूरत है, तब हम एक्यूरेट बता सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है और ज़्यादा नेगेटिव है। और वो मैम, वो मैंने आपके एक पॉडकास्ट देखा था, रियलिटी वालों के साथ देखा था मेरे ख्याल से, वो परछाई देख के कुंडली बताना, वो क्या चीज़ थी मैम? जिनके पास अपना जन्म तारीख नहीं है, जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ का कुछ भी नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ पता नहीं है, ऐसे लोगों के जन्मपत्री कैसे बने? या तो भाई जो चल रहा है वो चलने दीजिए, उनके लाइफ का स्ट्रगल होता रहेगा, या उसको जानने का क्या हमारे पास कोई तरीका है? तो ऐसे व्यक्ति की परछाई से हम उसकी कुंडली का निर्माण करते हैं। परछाई से? हाँ, देख के। आपकी, मैंने कहा ना, आपकी पूरी बॉडी के अंदर आपके ग्रह समाहित हैं। जी जी जी, सही बात। आपकी कुंडली के अंदर आपका मंगल बहुत अच्छा है। मेरी कुंडली में? हाँ, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर आपका शुक्र कहीं ना कहीं राहु से संबंध बना रहा है। तो मैम, मंगल जब अच्छा होता है तो क्या चीज अच्छी होती है लाइफ में? इंसान के अंदर करेज बहुत अच्छा रहता है। ऐसा इंसान कुछ भी करने के लिए अपने आप को सज कर लेता है। ऐसे इंसान को कोई काम करने से पहले किसी से राय या एडवाइस नहीं चाहिए होती। उसके मन को लगना चाहिए कि ये काम सही है, तो वो काम कर लेगा। ठीक है, ऐसा इंसान बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंसी में चीज़ों को चेंज नहीं कर पाता। कि आज किसी ने बोला यार तुम्हारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं, अब ऐसा करते हैं अपन एक OTT बना लेते हैं, तो आप एकदम से OTT में नहीं जा पाओगे। आप उसके लिए अपने आप को बहुत प्रिपेयर्ड करोगे। जी जी, ये तो सच्ची बात है। ठीक है, तो जिनका मंगल बहुत अच्छा होता है ना, ऐसा इंसान बहुत सज होता है, उसको ये मालूम होता है, मुझे विजन बहुत क्लियर होता है ऐसे इंसान का। शुक्र राहु जो मैं आपका साथ में बता रही हूँ कि आपका साथ में है, ये चीज़ क्या करता है कि ये आपको अनवांटेड ऐसे लोगों के साथ में खड़ा कर देता है, या ऐसे लोगों के झुंड में खड़ा कर देता है जो आपको मुंह पे तो बहुत अच्छा अच्छा कहेंगे, आपकी बहुत तारीफें करेंगे, लेकिन यही आपके पीछे से आपकी सबसे ज़्यादा बुराई करने का काम कर देंगे। सच्ची बात है। तो वो तो हम पॉडकास्ट के बाद आपकी कुंडली खोलेंगे और फिर देखेंगे कि क्या सच में ऐसा है, फिर आप अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मैम, ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड अगर मैं पूछूँ, ये चीज़ सच में होती है या नहीं? और बोलते हैं नज़र लग गए किसी इंसान को, वो कैसे उतार रहे हैं, मतलब ये चीज़ें होती हैं? ये नज़र लगना, ब्लैक मैजिक होना, बिल्कुल होती हैं। नज़र लगना भी होता है और ब्लैक मैजिक भी होता है। और लोग, आज की जनरेशन इस चीज़ पर बहुत कमेंट करती है मुझे कि ये ऐसे ही बोलती हैं, पर मैं अब ऐसा सोच रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा यंग बच्चों की तरह और यंग हो जाना चाहिए, और मुझे उनको जाके दिखाना चाहिए कि हाँ सच में ऐसा होता है, ब्लैक मैजिक होता है, बहुत सॉलिड होता है। और मेरे पास प्रूफ भी है इस चीज़ का, मैं दिखाऊंगा अभी आपकी बात के बाद। मेरे पास भी है, और कभी हम दोबारा किसी पॉडकास्ट में आए तो मैं आपको बताऊंगी कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं। सुपर नेचुरल चीज़ें जो आपने शायद सिर्फ फिल्मों में देखा है, जैसे कि आपने मिस्टर इंडिया के अंदर वो चश्मा देखा है जिसमें वो गायब हो जाता है। हाँ, है ना, ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ें हमारे भारत में हैं। ऐसी चीज़ें हैं? हाँ, जैसे कि? जैसे कि मैं आपको यहाँ तो अभी प्रूफ नहीं दे सकती, लेकिन पॉडकास्ट के बाद मैं आपको एक वीडियो ज़रूर दिखा सकती हूँ। अच्छा। जिसमें आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसी चीज़ें सच में हैं। वो उनके अंदर बेसिकली बहुत एनर्जी होती है, उनका एनर्जी लेवल बहुत अलग होता है, और वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने का काम करती हैं। अच्छा, वो चीज़ हमारे पास है तो? हमारे पास है तो। मैंने अपने ही उस पर एक यंत्र दिखाया था अपने YouTube पे, जिसके अंदर मैंने बताया था कि वो यंत्र अगर मैं लौंग को ऐसे उसके नीचे रख देती हूँ तो वो लौंग को खींच लेता है अपनी तरफ, चुंबक की तरह। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और ये किन चीज़ों से होती हैं? ये हमारे मंत्रों से सिद्ध होती हैं ये चीज़ें। यंत्र जो हमारे हैं ये बहुत सारी सिद्धियों से सिद्ध हो जाते हैं,
और उसके बाद इनमें इतनी ताकत आती है, इतनी ताकत आती है कि आप इनसे कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। पर अच्छा करिए, बुरा मत करिए, क्योंकि बुरा करेंगे तो उसका बहुत बुरा परिणाम आपको या आपकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि गलत इस्तेमाल करे कोई उन चीज़ों का। अब लोग कहते हैं अगर ऐसा है तो ये देश का उद्धार क्यों नहीं करती, तो हम तो कहते हैं हम तो तैयार हैं, आप टैक्स भरते हैं इंडिया को, आप एक लेटर सब जने मिलके दीजिए गवर्नमेंट को कि भाई हमारे देश के अंदर जब इतनी पावर है, जहाँ पर श्री राम जी ने जन्म लिया, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, जहाँ पर हनुमान जी आए, जहाँ पर हमारे 10 अवतार आ चुके हैं, जहाँ पर घर घर के अंदर मंदिर खड़े हैं, वहाँ पर क्यों नहीं ऐसे अनुष्ठान या ऐसे हवन करे जाते जिससे हमारे देश की समृद्धि हो, हमारे देश की ताकत बढ़े। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपके पॉडकास्ट पर कह रही हूँ, जिसका लोग विरोध करते हैं, हमारे सनातन धर्म में विरोध होता है इन चीज़ों का कि ये फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक इन चीज़ों पर भरोसा किया जा रहा था, जब तक हमारे पुराणों पर, हमारे शास्त्रों पर भरोसा किया जा रहा था, हमारा देश सोने की चिड़िया था। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। धीरे धीरे करके जैसे ही हमारे यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा दी गई, उन प्रॉपर उन तरीकों को करने के शास्त्र मिटा दिए गए, लोगों का मन हटा दिया गया, उनको कन्वर्ट कर दिया गया, आप देखिए कैसे लोग परेशान होने लग गए। गुरुकुल में पहले कितनी अलग पढ़ाई होती थी, अब हर जगह गुरुकुल होते थे। श्री राम जी को बुलाया गया था स्पेशली कि एक यज्ञ चल रहा है, कहाँ होते हैं अब अश्व यज्ञ? कुछ नहीं होते, सही बात। आप बताइए कहाँ हैं? श्री राम जी ने किया, युधिष्ठिर जी ने किया, तो आप देखिए ना उस युग को देखिए और आज के युग को देखिए। सब कहते हैं राम राज्य आएगा, तो राम जैसे पुण्य करिए, कर्म तो हो आप कैसे, बिल्कुल जब तो आएगा, वैसे यज्ञ करना चालू करिए। हमारी पृथ्वी कितनी कितनी पावन है कि यहाँ पर देवताओं ने आकर कण कण में अपने आप को समाहित किया है। आज भी निधि वन के अंदर लोग ये मानते हैं कि ठाकुर जी रास रचाने आते हैं। हाँ हाँ। तो जब ठाकुर जी वहाँ रास रचाने आते हैं तो हम उन चीज़ों को जागृत करने के लिए, हम प्रभु को अपनी अच्छी चीज़ों को, मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम उनके साथ अपना क्यों नहीं संपर्क साधते, हम क्यों नहीं मंत्रों में, पूजाओं में, अनुष्ठानों में मन लगाते, हम क्यों नहीं गुरुकुलों में जाकर कुछ दिन बिताते। आपको पता है मेरा गुरुकुल है, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। अरे वाह। और हम उनको बैड हैबिट्स से बाहर निकालने के लिए बहुत सारी थेरेपीज करते हैं, जैसे कि वाटर थेरेपी, सैंड थेरेपी, औषधीय स्नान। मेरे पास बहुत सारे फॉरेन से बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स उनको हमारे यहाँ भेजते हैं और उनको इतना विश्वास है हमारी चीज़ों पर कि हमारे बच्चे अगर वहाँ जा रहे हैं और ये सब सीख रहे हैं ना, तो इनको इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपके पॉडकास्ट पर हूँ तो मैं आपके बच्चों को ही एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, कुछ मत करिए, जो जो मेरी बात का खंडन करे ना वही ये कार्य करके देखिएगा। एक ऑरा स्कैनिंग कैमरा आता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, या फिर आप किसी से भी कहेंगे तो कुछ पैसे लेकर वो आपका ऑरा स्कैन कर देंगे। आप फर्स्ट डे अपना ऑरा स्कैन कराइए, उसके बाद आप लगातार 7 दिन या 11 दिन तुलसी माँ की 7 परिक्रमा करना चालू कर दीजिए। सिर्फ परिक्रमा, ना जल चढ़ाइए, ना दिया लगाइए, ना कुछ भी करिए, सिर्फ तुलसी माँ की 7 परिक्रमा रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर आप कर दीजिए। और करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बस इस मंत्र का जाप कर लीजिए, ठीक है? 7 दिन बाद या 11 दिन बाद आप अपना वापस से ऑरा स्कैन करा लीजिएगा, आपको गजब का डिफरेंस पता लग जाएगा। इस मंत्र से और वो परिक्रमा करने से? सिर्फ परिक्रमा से, मंत्र तो इसलिए कह रही हूँ कि और पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा। अगर जो नहीं भी बोलना चाहते, जिनको लगता है कि नहीं हम ये भी नहीं करेंगे, तो आप तो सिर्फ तुलसी माँ के चक्कर ही काट दीजिए। अब आप सोचिए एक तुलसी जी के पौधे से इतनी पॉजिटिविटी मिल सकती है, तो जब हम तरीके से मंत्र उच्चारण करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, तो उनका फल हमें क्यों नहीं मिलेगा? पर गलत सोच से, गलत भाव से कोई चीज़ करेंगे तो कोई चीज़ पूर्ण नहीं होगी, वो बल्कि आपको आगे जाकर कहीं ना कहीं खराब करेगी, तबाह करेगी, और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी उसका दुख मिलेगा। साफ दिल से करोगे जब भी चीज़ें सही हो, भाव अच्छे होने चाहिए। मैम, अगर किसी को पैसे की परेशानी चल रही है, करियर से रिलेटेड दिक्कत है, यार आगे नहीं बढ़ पा रहा, या जॉब में उसका प्रमोशन नहीं हो रहा, जॉब नहीं लग पा रही, या पैसों से रिलेटेड, तो एस्ट्रोलॉजी में क्या उपाय हैं इन चीज़ों के? माँ लक्ष्मी के उपाय हैं, गणेश जी के उपाय हैं। गणेश जी का एक छोटा सा स्तोत्र होता है जिसे हम कहते हैं संकट नाशन गणेश स्तोत्रम,
बहुत छोटा सा होता है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। अगर हम इसका दिन में 11 बार पाठ कर लेते हैं तो इससे हमारी कठिनाइयाँ दूर होने लगती हैं, जॉब की अनस्टेबिलिटी भी ख़त्म होती है एज वेल एज हमारे पैसों की भी ख़त्म होती है। फिर महालक्ष्मी के मंत्र हैं, आपको शायद पता होगा कनक धारा स्त्रोत्र, आपने सुना है कभी इसके बारे में? ये एक ऐसा पाठ है जिसे करके स्वर्ण की वर्षा कराई गई थी, सोने की वर्षा। अच्छा। हाँ जी, और ये सत्य है। ये हमारे से? हाँ जी। तो हमें सिर्फ अपने नियमित कर्म के अंदर कुछ चीज़ों को सम्मिलित करना पड़ेगा, जो कि आपकी या तो आपका ऑरा देखकर या आपकी जन्मपत्री देखकर कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर या आपका गुरु आपको गाइड कर देता है, वो करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर बहुत सिंपल वे आप चाहते हैं कि बहुत सरल तरीका हमें मिल जाए ये करने का, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हम ये चीज़ें बहुत आराम से कर लेते हैं। जैसे कि हमें स्फटिक की माला, ओरिजिनल स्फटिक की माला, उस पर शुक्रवार की रात्रि में बैठकर महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उससे हमारी मॉनेटरी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होने लग जाती है। एक कमल का पुष्प आप शुक्रवार के शुक्रवार जाकर श्री हरि के चरणों में चढ़ा आइए और फिर देखिए आपकी समस्या का समाधान कैसे होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, सारी चीज़ नोट कर लेना दोस्तों जो जो बताई जा रही है। भगवान एक चावल के दाने पर मान जाते हैं, आप वो भाव, वो प्रेम, वो समर्पण, वो भक्ति, वो विश्वास लेकर तो जाइए, आप खाली कभी नहीं आएंगे। ना कि केदारनाथ जा रहे हो, रील वीडियो बना के वापस आ जाओ, साफ दिल से जाओ। अभी मैं जब आपके यहाँ आई थी तो मैं एक रील देख रही थी, मैंने उनको ना चाहते हुए भी कमेंट किया। मैं हालांकि कभी किसी को कमेंट नहीं करती, लेकिन मेरा मन नहीं माना। कौन सी वीडियो थी? उसमें एक व्यक्ति लड्डू गोपाल उठा के और उनको लेके नाच रहे थे और उन्होंने जूते पहने हुए थे, और मैं कहने पे मजबूर हो गई कि आप क्या कर रहे हो, वो भगवान हैं, उन्हें थोड़ा तो भगवान की तरह पूजिए। आप उन्हें लेकर गाड़ी में घूम रहे हैं, फिर आप गाड़ी के बीच में उतर जाते हैं, आप टॉयलेट करने चले जाते हैं, फिर आप आके उन्हीं हाथों से, चाहे आप हाथ भी धोए, आपको पता है हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा है, हमारा जो मंदिर का एक एरिया है उस एरिया के अंदर जब हम जाते हैं ना, चाहे हम दिन में 5 बार जाएं, हम 5ों बार नहाते हैं, 5ों बार नए कपड़े पहनते हैं, तब हम उस परिसर में जाते हैं, वरना हम उस परिसर में जा नहीं सकते। ईश्वर को ईश्वर की तरह ही मनाइए तो आपके पास जीवन में कभी भी दुख तकलीफें आएंगी ही नहीं। हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो ले रहे हो चीज़ करने की, उसे अच्छे से करो। आप कोई भी रखिए, आप उन्हें, मेरे तो सखा हैं, मैं तो उनको सखा बोलती हूँ, तो आप उनसे दोस्त की तरह मिलिए, आप उनसे भाई की तरह मिलिए, आप उनसे पिता की तरह मिलिए, आप उन्हें किसी भी रिश्ते में बांधिए, रिश्ता कोई भी बांध लीजिए, लेकिन सम्मान दीजिए। पिता को देते हैं जी, ऐसे। माता को देते हैं, गुरु को देते हैं, बड़े भाई को देते हैं, बड़ी बहन को देते हैं, जीजा को देते हैं, तो उनको क्यों नहीं, वो तो भगवान हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। और एक और क्वेश्चन है, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहता हो तो उसे आप क्या कहना चाहोगे? क्या करियर बनाया जा सकता है इसमें? क्या कोई सीख सकता है इन चीजों को आपके सामने? या आप सिखा सकते हैं किसी को ऐसे? हम सिखाते हैं। अच्छा। लेकिन मेरे सिखाने का तरीका बहुत अलग है बेटा, इसीलिए मुझ तक लोग बहुत कम पहुंचते हैं और बहुत कम लोग मेरे साथ जुड़ पाते हैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन ही सिखाती हूँ, ऑनलाइन नहीं सिखाती। मुझे ऐसा लगता है एस्ट्रोलॉजी थ्योरी से ज्यादा एक इंसान का भगवान के साथ संबंध है। ज्योतिष एक ज्योति है आपको अपने ईश से मिलाने की। ज्योतिष का जो पूरा अर्थ है वो एक ज्योति है आपके ईश की। जब तक मैं किसी की कुंडली के अंदर अपने ठाकुर जी के साथ संपर्क नहीं साधूंगी, अब मैं ठाकुर जी कह रही हूँ तो ये मत सोचिएगा कि सब जने ठाकुर जी ही साधेंगे। आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, आपके जो भी आराध्य हैं, चाहे वो भोलेनाथ हैं, हनुमान बाबा है, भैरव बाबा है, माँ काली है, माँ दुर्गा है, जो भी आपके इष्ट है, आप उनके साथ अपना संपर्क साधिए, तभी आप किसी के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है? वरना क्या होगा कि अगर आपके पास में जुड़वा बच्चों की कुंडली आ गई तो आप वहीं कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि अब हम क्या बताएं। अच्छा, है ना? और बहुत सारी कुंडलियों के अंदर हम सिर्फ थ्योरीज पे नहीं चल सकते, वहाँ पर हमें हमारी सिक्स सेंस यूज करनी पड़ती है, थर्ड आई एक्टिव करनी पड़ती है, और उसके लिए आपको अपना ईश्वर के साथ संबंध बहुत गहरा करना पड़ता है। तो मैं ऐसे ज्योतिष नहीं बनाना चाहती जो 6 महीने का कोर्स सीखें, 8 महीने का कोर्स सीखें और फिर उसके बाद ज्योतिष करने लगे। मैंने 36 साल दिए हैं। 36 साल? मैं 8 साल की उम्र से ये काम कर रही हूँ।
तो मेरे तो और अच्छा लग रहा है आपको यहाँ बुला के। मैंने 36 साल दिए और उसमें भी मुझे ऐसा लगता है मैं अभी 75% ही पहुंची हूँ। अभी भी बहुत लंबी यात्रा वक्त लगता है। हाँ, बहुत वक्त लगता है बेटा। तो इसीलिए आप जो हमसे सीखते हैं उन्हें हम यही कहते हैं कि आप हमारे गुरुकुल में आइए, रहिए, हम वहाँ पर मंत्र भी सिखाएंगे, आपकी बॉडी के कैसे कैसे अलग अलग चेंजेस हैं उनको हमको देखना होता है, उनका हमको पूरा संक्षिप्त में जानकारी चाहिए। गुरुकुल में सिखाते हैं जी। तो हमारे यहाँ जो कोर्सेज होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते, तो मेरे पास इसीलिए बहुत कम बच्चे आ पाते हैं। हालांकि आप ये देखिए, MBA करने, 2 साल का कोर्स करने वो लोग कहीं भी चले जाएंगे, विदेश भी चले सही जाएंगे। बात है। 5 साल की डॉक्टरी करने कहीं भी चले जाएंगे, पर एक अच्छा ज्योतिषी बनने आप किसी एक अच्छे गुरुकुल में क्यों नहीं आ सकते? ये भी तो पढ़ाई है। ये पढ़ाई और इसके अंदर बहुत अच्छा करियर है। और सबसे बड़ी बात, ये कितना अच्छा करियर है ये तो इसमें जो आता है उसको पता होता है, पर सबसे अच्छी बात ये एक बहुत बड़ा पुण्य है जो ठाकुर जी बहुत विशेष लोगों को आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। आप कितने लोगों के दुख हटाते हैं, आप सोचिए उनकी दुआओं से आपके आने वाले कितने कुल तर जाने वाले हैं। सही बात है। कितने घर आप सुधारोगे, कितनों की लाइफ चेंज होगी। तो ये एक बहुत अच्छा, मैं तो जो ये मेरे पास आशीर्वाद है कृष्ण भगवान जी देते हैं। जो बच्चे मेरे यहाँ सीखते हैं हम तो उन्हें जॉब्स भी देते हैं, हम उन्हें अपने यहाँ ही रखते भी हैं और हम उन्हें प्रैक्टिस भी कराते हैं और फिर उसके बाद हम उनको एक अश्योर्ड जॉब जो कहते हैं ना कि हर किसी को मिलती है, तो हम अश्योर्ड जॉब भी देते हैं, अपने पास ही हम उनको रखते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो कि मैम से आप सीखो ऑफलाइन, मैम के गुरुकुल जाके, या मैम से आप बात करना चाहते हो, तो ईमेल के ज़रिए, नीचे मैंने मैम का सारा ईमेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, फ़ोन नंबर्स मेंशन कर दिए हैं, इनके इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब मेंशन कर दिया है। क्योंकि हो सकता है इस 1 घंटे में कुछ ऐसी बातें हों जो क्लियर ना हुई हों और आपके दिमाग में हो, तो वो चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपने ये वक्त हमारे साथ बिताया और आगे भी हम अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लाते रहेंगे। शुक्रिया मैम, आप आए हमारे यहाँ। जय श्री कृष्णा, और फिर मुलाकात होगी जल्दी जी। और अभी ये पॉडकास्ट के बाद ना मेरी कुंडली देख लीजिए, मेरा बहुत मन है आपको दिखाने का, और कुछ मुझे एडवाइस दीजिए वो भी अच्छा रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं।